अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पुल इंसानी कारनामे की एक उम्दा नुमाइश होते हैं। इनमें से कुछ देखने के लिए मुतासर कुन है, लेकिन कुछ मौत या खौफनाक वाकियात से वाबस्ता हैं। बहुत से लोग खुदकुशी के लिए ऊंचे पुलों का इंतखाब करते हैं और उनमें सबसे ज्यादा मशहूर गोल्डन गेट ब्रिज है। इस पुल पर आपको एक टेलीफोन भी नजर आएगा, जिसको इमरजेंसी सुसाइड टेलीफोन कहा जाता है, जो कि लोगों की मदद के लिए और किसी किस्म की इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत से ऐसे पुल हैं जिन्हें देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हीं में से 20 सबसे ज्यादा खतरनाक पुलों का जिक्र आज की इस वीडियो में करेंगे। जी तो दोस्तों, मेरा नाम है हिशाम अब्बासी और आप देख रहे हैं अब्बासी टीवी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, 7 माइल ब्रिज। दोस्तों, ये पुल अमरीका की रियासत फ्लोरिडा में वाक़ है। ये पुल 1978 में तामीर किया गया, मगर समुद्री तूफानों की वजह से ये तबाह हो गया था और 1982 में इसे दोबारा तामीर किया गया। इसके बारे में सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इसे हर वक्त समुद्री तूफानों का खतरा रहता है, जिसकी वजह से ये एक बार पहले भी तबाह हो चुका है। इसकी ऊंचाई 65 फुट और लंबाई 6.75 मील है। नंबर 2, द कैरक अरीड रोप ब्रिज। ये छोटा सा पुल आयरलैंड में वाके है। ये पुल टूरिस्ट के लिए दिलचस्प मुकाम है और बहुत सारे लोग यहाँ स्टंट्स भी करते हैं। ये पुल आयरलैंड को कैरक जजीरे के साथ मिलाता है। कई लोग इस खतरनाक पुल को देखकर इतना डर जाते हैं कि वो इसकी बजाय किश्ती पर बैठकर दूसरी तरफ जाने को ज्यादा तरजीह देते हैं। इसको 2008 में तामीर किया गया। इसकी ऊंचाई 30 मीटर और लंबाई 20 मीटर है। नंबर 3, डिसेप्शन पास ब्रिज। ये पुल वाशिंगटन में मौजूद है। इस पुल पर आप पैदल भी चल सकते हैं और गाड़ी भी चला सकते हैं। पैदल चलने वाली लेन आपको पुल के नीचे पानी का एक शानदार लेकिन खौफनाक नज़ारा पेश करता है। इस पुल को 1935 में आम लोगों के इस्तेमाल के लिए खोला गया। इसे तजारती मकासद के लिए तामीर किया गया था। इसकी ऊंचाई 180 फुट और लंबाई 1487 फुट है। नंबर 4, द इमॉर्टल ब्रिज। ये चाइना का एक मशहूर पुल है। ये दुनिया के चंद ऊंचे और कदीम तरीन पुलों में से एक है। लोगों के अंदाजे के मुताबिक ये कुदरती पुल पत्थर के जमाने में तश्कील पाया है। ये पुल 3 बड़े पत्थरों और कुछ छोटे पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। चाइनीज लोगों का ख्याल है कि ये 3 बड़े पत्थर पैदाइश, जिद्दत और मौत की नुमाइंदगी करते हैं। येलो माउंटेन्स, जहाँ पर ये पुल मौजूद है, यहाँ हाइकिंग करना टूरिस्ट का पसंदीदा मशगला है। इस पुल की ऊंचाई 1505 मीटर और लंबाई चंद मीटर है। नंबर 5, पुलाव लंकावी सस्पेंडेड ब्रिज। ये पुल मलेशिया में वाके है। इसकी ऊंचाई 2300 फुट और लंबाई 410 फुट है। ये पुल गुजरने वाले लोगों को नीचे वसी जंगल और अंडमान समुंदर का एक खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। इस पुल के तमाम हिस्सों को हेलीकॉप्टर की मदद से जोड़ा गया। इस पुल को दुनिया का सबसे बड़ा कर्व्ड सस्पेंशन ब्रिज होने का एजाज हासिल है। नंबर 6, ट्रिफ्ट सस्पेंशन ब्रिज। स्विट्जरलैंड में मौजूद ये पुल 2004 में तामीर किया गया। इसे हाइकिंग के लिए बनाया गया था। इस पुल को उबूर करने में सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि ये पुल हवा की वजह से झूलने लगता है, जो कि कमजोर दिल वाले अफराद के लिए बहुत मसले की बात है। 2009 में इस पुल को मजीद मुस्तहकम करने के लिए स्टेबलाइजिंग केबल्स डाली गई। तकरीबन 20,000 लोग सालाना इस पुल से गुजरते हैं। इसकी ऊंचाई 100 मीटर और लंबाई 170 मीटर है। नंबर 7, कैपिलानो सस्पेंडेड ब्रिज। कनाडा में मौजूद ये पुल 1889 में तामीर किया गया। ये लोगों को जंगल का एक उम्दा नज़ारा पेश करता है और हर साल 80,000 लोग यहाँ आते हैं। इसकी ऊंचाई 230 फुट और लंबाई 450 फुट है। नंबर 8, एगुई डीमीडी ब्रिज। फ्रांस में मौजूद ये पुल खौफनाक हद तक लंबा तो नहीं, मगर यूरोप के ऊंचे तरीन मुकाम पर वाके है, जिसका नाम माउंट ब्लांक है। शीशे का बना हुआ फर्श नीचे देखने पर एक खौफनाक मंजर पेश करता है, मगर इससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर वो है जब आपको पुल तक पहुंचने के लिए केबल कार में बैठना होगा, जो कि आपको 20 मिनट में 9200 फुट की बुलंदी पर पहुंचा देगी। सतह समुंदर से इसकी बुलंदी 12,500 फुट है। नंबर 9, विटम रिवर ब्रिज। ये पुल साइबेरिया में मौजूद है।
बहुत सारे लोग इस पुल को उबूर करने का चैलेंज नहीं लेते। ये पुल पहले एक रेलवे ट्रैक होता था। ये पानी के बिल्कुल करीब वाके है। इस पर एक वक्त में सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है। साइबेरिया में होने की वजह से ये पुल तकरीबन हर वक्त बर्फ में ढका रहता है, जो इसे बहुत ज्यादा खतरनाक बना देता है। इसकी ऊंचाई 50 फुट और लंबाई 1870 फुट है। नंबर 10, द ओल्ड ब्रिज ऑफ कोनेट्सा। ग्रीस में मौजूद ये पुल 1871 में तामीर किया गया। ये एक खड़ी ढाल की शक्ल में है, जो कि ना ज्यादा ऊंची है ना ज्यादा लंबी। इस पुल को दिलचस्प बनाने वाली बात यह है कि इसके नीचे एक घंटी मौजूद है, जो कि हवा की वजह से बजने लगती है, जिसका मतलब ये होता है कि लोगों के लिए इसको अबूर करना बहुत खतरनाक है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर और लंबाई 20 मीटर है। नंबर 11, पोइंटी डी ओजेला ब्रिज। मेक्सिको में वाकई ये पुल 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन ये सिर्फ 1991 में सियाहों की तवज्जो का मरकज बना। कुछ ही अरसा कबल इस पुल को स्टील वायर्स डालकर मजीद मजबूत किया गया, लेकिन पुल पर चलते हुए जब लकड़ी के तख्ते आवाजें निकालते हैं तो ये लोगों के लिए मजीद खौफ का बायस बन जाता है। इसकी ऊंचाई 360 फुट और लंबाई 1043 फुट है। नंबर 12, हुसैनी हैंगिंग ब्रिज। पाकिस्तान में मौजूद हुसैनी हैंगिंग ब्रिज वादी हुंजा में दरियाए हुंजा के ऊपर बना हुआ है। इस पुल को देखते ही इंसान को इसमें कुछ महफूज दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसकी रस्सियां बुसीदा हो चुकी हैं और तख्तों के दरमियान फासला भी बहुत है। इस पुल को अबूर करते हुए मुसाफिर हवा की वजह से झूलने लगते हैं। इसकी ऊंचाई सतह समुन्दर से 2600 मीटर है और लंबाई 510 फुट है। नंबर 13, मैकिनेक ब्रिज। अमेरिका की रियासत मिशिगन में मौजूद ये पुल दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा पुल है। पहली नजर में ये पुल महफूज नजर आता है, मगर सस्पेंशन ब्रिजेस मौसमी तब्दीली से बहुत मुतासर होते हैं। अगर बहुत तेज हवा चल रही हो तो ये भी झूलने लगता है। इस वजह से कई बार इस पुल से ट्रकों के उड़ने के हादसात भी पेश आ चुके हैं। ये पुल गाड़ियों और पैदल चलने वालों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी ऊंचाई 168 मीटर और लंबाई 8038 मीटर है। नंबर 14, यू पेन ब्रिज। म्यांमार में मौजूद ये पुल दुनिया के तवील तरीन लकड़ी के बने हुए पुलों में से एक है। ये पुल तकरीबन 2000 साल पुराना है और लोग इसे रोजाना आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी ऊंचाई 15 फुट और लंबाई 3 से 4 मील है। नंबर 15, मंकी ब्रिजेज। दोस्तों, वियतनाम में मौजूद ये पुल देखने में इस तरह का लगता है कि सिर्फ बंदर ही इसे अबूर कर सकेंगे, लेकिन दर हकीकत इसे इस वजह से मंकी ब्रिज कहा जाता है कि इंसान को इसे अबूर करते हुए बंदर की तरह चलकर जाना पड़ता है, ताकि नीचे गिरने से बचा जा सके। टूरिस्ट के लिए ये एक चैलेंज होता है, लेकिन मुकामी लोगों के लिए ये रोजमर्रा के मामूलात का हिस्सा बन चुका है। इसकी ऊंचाई 186 फुट और लंबाई 5 फुट है। नंबर 16, रॉयल गॉर्ज ब्रिज। ये पुल नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है। ये पुल 1929 में तामीर किया गया। उस वक्त इस पर विंड केबल्स नहीं लगाई गई, फिर 1982 में विंड केबल्स भी लगाई गई। इसकी ऊंचाई 955 फुट और लंबाई 1265 फुट है। नंबर 17, सिद्धू रिवर ब्रिज। चाइना में मौजूद ये पुल तामीर होने के वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा पुल था। जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, जब वो इस पुल से नीचे नजर आने वाली वसी वादी को देखते हैं, तो ये उनके लिए मजीद खौफ का बायस बन जाता है। दुनिया भर से लाखों लोग इस पुल और खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए यहाँ आते हैं। इसकी ऊंचाई 496 मीटर और लंबाई 1222 मीटर है। नंबर 18, हैंगिंग ब्रिज ऑफ घासा। नेपाल में वाकई ये पुल मकामी लोगों की आमदोरफ्त और चरवाहों और उनके जानवरों की आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए बनाया गया। इसकी ऊंचाई 70 मीटर और लंबाई 137 मीटर है। नंबर 19, काकुम कैनोपी वॉक। घाना में मौजूद ये पुल बुनियादी तौर पर एक छोटे लकड़ी के टुकड़े, स्टील वायर और रस्सियों के जरिए बनाया गया है। ये पुल बहुत से बहादुर लोगों के भी रोंगटे खड़े कर देता है। चूँकि ये जंगल के ऊपर से बनाया गया है, इसलिए बंदर और परिंदों के लिए आप खिलौना भी बन सकते हैं, जिससे आपका सफर खूबसूरत होने के साथ खौफनाक भी हो सकता है। इसकी ऊंचाई 100 फुट और लंबाई 1000 फुट है। नंबर 20, इया वैली वाइन ब्रिजेज।
जापान में वाकई ये पुल असल में बैलों के जरिए बनाया गया था, जो कि टूरिस्ट के लिए एक असली जंगल का तजर्बा पेश करता था, मगर बाद में बैलों की जगह स्टील की तारें डाली गईं और लकड़ी के तख्ते डाले गए। इस पुल को पार करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है, क्योंकि ये जगह भी बहुत वीरान है और ये चोरों के लिए छुपने की एक अहम जगह भी है। इसकी ऊंचाई 46 फुट और लंबाई 148 फुट है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।